हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी अभी आपके एग्ज़ाम में कुछ ही दिन बचे हैं तो आपको अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को चालू रखना चाहिए एंड जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल करवा दिया गया है और यहाँ पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो जो यूनिट्स हैं उनसे रिलेटेड क्यूशन्स को हम सोल्व करेंगे और आज हम एग्रोफोरेस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं तो वीडियो की लेंथ मैं ज़्यादा नहीं रखूँगी जिससे कि आप काफ़ी जल्दी वीडियो को देख सकते हैं और इस तरीके से मैं और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस के वीडियो बनाने वाली हूँ तो आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें ये हेल्पफुल होंगे क्योंकि आखिरकार तो आपको क्वेश्चन ही वहाँ पे सॉल्व करने हैं तो थ्योरी के साथ साथ क्यूशन्स की प्रैक्टिस होना काफ़ी ज़रूरी है तो से रिलेटेड हम यहाँ पे करने वाले हैं क्यूशन्स एंड इससे पहले हम थोड़ा कुछ एग्रो का रिवाइज़ करेंगे और उसके बाद क्यूशन्स करेंगे तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे दिया गया है कि जो सोशल फॉरेस्ट्री जो वर्ड है वो कॉइन किया गया है वेस्ट बाई के द्वारा एंड इसको फिर नाइन्थ जो कॉमनवेल्थ फॉरेस्ट्री कांग्रेस हुई थी 1968 में वहाँ पे फर्स्ट टाइम इसको यूज किया गया है तो आपको वेस्ट बाय का याद रखना चाहिए यहाँ पे इनको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये जो टर्म है सोशल फॉरेस्ट्री किसके द्वारा कोइन की गई है नेक्स्ट फिर दिया गया है कि जो फार्म फॉरेस्ट्री है उसको एन सी ए के द्वारा डिफाइन किया गया था कि जो प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री जिसमें कि क्या किया जाता है फार्म और विलेज लैंड्स जो है वहां पे फॉरेस्ट्री की प्रैक्टिस की जाती है तो फार्म फॉरेस्ट्री वाज डिफाइंड बाय एन सी एज द प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री इन ऑल इट्स एस्पेक्ट इन अराउंड द फार्म और विलेज लैंड्स इंटीग्रेटेड विद अदर फार्म ऑपरेशंस तो इसको हम देख चुके हैं फार्म फॉरेस्ट्री को और अब हम देखने वाले हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ पूछे जाते हैं फिर नेक्स्ट है सोशल फॉरेस्ट्री का जो प्रोजेक्ट है वो 1981 के ड्यूरिंग उसका फर्स्ट फेज है वो लॉन्च किया गया था और इसको जो असिस्टेंस मिली थी जो हेल्प मिली थी जिसकी हेल्प से स्टार्ट किया गया था वो मिली थी एस से स्वीडिस इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी से उसके बाद इसका जो दूसरा फेज है वो इम्प्लीमेंट किया गया है उन्नीस से यहाँ पे तिरानवे तक के बीच में और फर्स्ट वाला है इक्यासी से छियासी के बीच में नेक्स्ट दिया गया है कि यहाँ पे T -C -I -P T -C -E -P तो टी सी आई पी, तो e तो पी की फुल फॉर्म दी गई है एंड टी सी ई पी की तो टी से हमारा मेन है यहाँ पे ट्री एंड फिर है कल्टीवेशन और उसके बाद है यहाँ पे पी से प्रोग्राम तो आई स्टैंड फॉर इंसेंटिव एंड यहाँ पे ई जो है वो है एक्सटेंशन तो ट्री कल्टीवेशन इंसेंटिव प्रोग्राम एंड ट्री कल्टीवेशन एक्सटेंशन प्रोग्राम उसके बाद एन ए पी की फुल फॉर्म दी गई है एन ए पी मीनस नेशनल अफोरेस्टेशन प्रोग्राम उसके बाद एग्रोफोरेस्ट्री की डेफ़िनेशन दी गई है कि एग्रोफॉरेस्ट्री एक कलेक्टिव नेम दिया गया है फॉर लैंड यूज़ सिस्टम तो इसके अंतर्गत कितने तरीके के जो लैंड यूज़ सिस्टम आते हैं उन सबको हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने एग्रो फॉरेस्ट्री के क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था तो वो लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं तो सारे लैंड यूज़ सिस्टम को इसमें यूज किया जाता है इन्वॉल्विंग ट्री ट्री को क्रॉप के साथ उगाया जाता है और कई बार जो लाइव स्टॉक है उसको भी फिर यहाँ पे रखा जाता है इसके साथ तो एग्रोफोरेस्ट इज इज ए कलेक्टिव नेम फॉर लैंड यूज सिस्टम इन्वॉल्विंग ट्री कंबाइंड विद क्रॉप्स एंड एनिमल्स ऑन द सेम यूनिट ऑफ लैंड इसके बाद नेक्स्ट है 1987 में नेड़ ने क्लासिफाई किया है एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम को चार क्राइटेरिया के बेसिस पे फर्स्ट है स्ट्रक्चरल बेसिस फिर है फंक्शनल बेसिस फिर है सोशो इकोनॉमिक बेसिस एंड इकोलॉजिकल बेसिस फिर है टोंगिया सिस्टम तो टोंगिया सिस्टम के बारे में भी हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं ये एक बर्मीज वर्ड है जो कि बर्मा में कोइन किया गया है और इंडिया में टोंगिया सिस्टम को स्टार्ट किया गया था अठारह में ब्रेंडीज के द्वारा यहाँ पे टोंगिया सिस्टम को स्टार्ट करने के बाद नॉर्थ बंगाल में 1896 में हमारा पहला टोंगिया प्लांटेशन रेज किया गया और सदर्न इंडिया में टोंगिया सिस्टम को कहते हैं कुमरी उसके बाद है एले क्रोपिंग तो एले क्रोपिंग को भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं या फिर जिन्होंने पी डी एफ परचेज की है वो अपना वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं एले क्रोपिंग इज आल्सो नोन एज हेड गेरो इंटरक्रोपिंग तो इम्पोर्टेंट है ये यह यहाँ पे पूछा जा सकता है आपको कि दूसरा नाम क्या है एले क्रोपिंग का उसके बाद है शेल्टर बेल्ट तो शेल्टर बेल्ट क्या होते हैं काफ़ी डिटेल से मैंने आपको वहाँ पे बताया है यहाँ पे एक लाइन में आपको समझाने की कोशिश की गई है और वहाँ मैंने काफ़ी डिटेल से बताया है तो शेल्टर बेल्ट क्या होते हैं ट्रीज़ के बेल्ट होते हैं ये इज द बेल्ट ब्लॉक्स कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल रोज ऑफ ट्री स्टेब्लिस्ड एट राइट एंगल्स टू द प्रिवेलिंग विंड तो हमारे जो राजस्थान है इसमें एरिड एंड सेमी एरिड जो जलवायु है इस वजह से सोइल इरोजन की प्रॉब्लम काफ़ी देखने को मिलती है तो यहाँ पे एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम की जो शेल्टर बेल्ट टेक्निक है ये यूज़ की जाती है विंड ब्रेक यूज़ किया जाता है तो इस तरीके से शेल्टर बेल्ट को यूज़ करते हैं फिर है विंड ब्रेक विंड ब्रेक में क्या किया जाता है स्ट्राइप ऑफ ट्रीज़ लगाई जाती हैं या फिर श्रब्स की ताकि देखो विंड ब्रेक इसके नाम से ही पता चलता है विंड को रोकना तो विंड को क्यों रोकना ताकि जो सॉइल इरोजन है उससे यहाँ पे बचा जा सके तो टू प्रोटेक्ट फील्ड होम कैनाल्स एंड अदर एरिया फ्रॉम विंड एंड ब्लोइंग सोइल और सैंड उसके बाद है सिल्वी पास्चर सिस्टम इसको फिर प्रोटीन बैंक लाइफ एंड एंड ऑफ ऑर्डर ट्रीज एंड हेड्स एंड ट्री एंड शर्ब्स ऑन पास्चर इनमें डिवाइड किया गया है तो काफ़ी डिटेल से मैं वहाँ पे आपको ये बता चुकी हूँ फिर है एग्री सिल्वर पाशरल सिस्टम इज़ ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज होम गार्डन्स एंड वुडी हेड्रोज जो होम गार्डन है उसको मल्टी टायर सिस्टम भी कहते हैं एंड मल्टी टायर क्रोपिंग भी कहते हैं तो पूछ सकते हैं आपको कि कौन सा एग्जांपल है मल्टी टायर सिस्टम का उसके बाद है होम गार्डन्स आर कैरेक्टरसाइज्ड बाई हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड यूजली थ्री फोर वर्टिकल कैनोपी स्ट्रेटा ये हमारी लेक्चर नंबर फोर की जो पीडीएफ है वो है और इसमें आप देख सकते हैं कि जो एग्रोफॉरेस्ट्री है इसमें मैंने आपको यहाँ बताया है कि जो एग्रोफॉरेस्ट्री हमारा लैंड यूज सिस्टम है इसमें क्या किया जाता है ट्री एंड जो श्रब्स हैं यानी क्रॉप्स को और ट्री के साथ यहाँ पे उगाया जाता है विद और विदाउट लाइव स्टॉक और यहाँ पर्पस बताया है उसके बाद में हम डिस्कस कर चुके हैं एग्रोफॉरेस्ट्री के बारे में पूरा जो एग्रोफोरेस्ट्री का क्लासिफिकेशन है वहाँ पे हमने पूरा डिस्कस किया था एग्रोफॉरेस्ट्री के कितने टाइप्स हैं वो सब वहाँ पे हमने डिस्कस किया था ये देखिए एग्रोफॉरेस्ट्री वेरियस ऑफ एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम फॉर माइक्रो क्लाइमेट एवेल्यूरेशन तो टोंगिया फार्मिंग को हमने यहाँ डिस्कस किया था देखिए टोंगिया फार्मिंग दिस कंसिस्ट ऑफ ग्रोइंग एनुअल एग्रीकल्चरल क्रॉप अलोंग विद फॉरेस्ट्री स्पीसीज ड्यूरिंग द अर्ली ईयर ऑफ establishment ऑफ द forestry plantation, improved फैलो लाइफ फेंस होम गार्डन्स को देखो यहाँ पे डिस्कस किया था होम गार्डन्स को और यहाँ पे नेक्स्ट है शेल्टर बेल्स तो पूरा डिस्कस कर चुके हैं हम इसको इसके साथ ही फिर जब क्लासिफिकेशन का टॉपिक आएगा वहाँ पे मैं हमने इसको और भी डिटेल से देखा था फिर ये देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे टाइप हैं होम गार्डन एंड वुड वुडी हेज इसके टाइप हैं और यहाँ पे एग्री सिल्वी कल्चरल सिस्टम के टाइप है शेल्टर बेल्ट एंड विंड ब्रेक वगैरह जो कि हमारे राजस्थान में यूज़ किए जाते हैं आगे हम देखेंगे कि जो हिली डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें किस तरीके का एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम यूज़ किया जाता है तो हम आगे देखने वाले हैं फिर मैंने यहाँ पूरा इसका जो क्लासिफिकेशन है वो आपको बताया तो आप यहाँ से रिवाइज़ कर सकते हैं एंड ये सारी जो डिटेल्स हैं ये लेक्चर्स में भी हैं तो आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं तो चलते हैं आगे यहाँ पे एग्रो इकोलॉजिकल जोन इंडिया में आठ हैं और एग्रो क्लाइमेटिक जोन है पंद्रह इसके बाद है मैक्रो डिज़ाइन एंड डायग्नोसिस तो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं एग्रो डिज़ाइन एंड डायग्नोसिस में टू टाइप होते हैं इसके मैक्रो एंड माइक्रो तो इसके नाम से ही पता चलता है कि मैक्रो है वो बड़े लेवल पे है तो एंटायर एकोलॉजिकल जोन को यहाँ कवर करेगी एंड जो माइक्रो है वो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक पार्ट चूज़ किया जाएगा इकोलॉजिकल जोन का तो जो ये डिज़ाइन एंड डायग्नोसिस है ये थोड़े पार्ट को यहाँ पे कवर करेगी उसके बाद में सूटेबिलिटी दी गई है देखो एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम की तो ह्यूमिड टाइप का जो एरिया है वहाँ पे यूज किए जाते हैं होम गार्डन ट्रीज़ एंड रेंज लैंड एंड पास्चर इम्प्रूव फैलो इन शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड मल्टीपरप वुड लोड्स तो स्पेसिफिकली हम यहाँ देखने वाले हैं सेमी एरिड एंड एरिड लैंड्स। सिल्वी पेस्टुरल सिस्टम यूज किया जाता है हमारे यहाँ पे इसके साथ ही विंड ब्रेक एंड शेल्टर बेल्ट तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसके साथ ही देखिए एरिड लेंड्स पे कौन सा यूज किया जाता है हीली रीजन में कैसा यूज किया जाएगा तो देखिए ही रीजन है वहाँ पे एंड ह्यूमिड है तो ह्यूमिड है तो बारिश होगी वहाँ पे यानी नमी वाला एरिया है तो वहाँ पे इस तरीके का होम गार्डन्स वगैरह पास्चर लेंस अवेलेबल होंगे तो ये वहाँ पे सूट करेगा और जो विंड ब्रेक एंड शेल्टर बेल्ट है ये सोइल इरोजन वगैरह को रोकने के लिए एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में यूज किया जाएगा अब हम क्वेश्चंस करते हैं तो ये डिटेल आप यहाँ से देख लीजिएगा और इतना सारा अगर आप देखेंगे तो कन्फ्यूज़न हो सकता है तो आप इसको देख लीजिएगा सेमी एरिड एंड एरिड लैंड्स के कॉन्टेक्स्ट में या फिर स्पेसिफिक स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने स्टेट की क्लाइमेट के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम जिसमें ट्री को कंबाइन किया जाता है क्रॉप के साथ या फिर एनिमल्स के साथ ऑन द सेम यूनिट ऑफ लैंड तो इसको कहते हैं तो ये डेफिनेशन हम अभी अभी डिस्कस कर चुके हैं कि एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम जो है उसमें इस तरीके की प्रैक्टिस की जाती है फिर नेक्स्ट है कि वैन द यूज ऑफ लैंड इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेटिसफाइंग बेसिक नीड्स एंड इज़ मैनेज बाई द ओनर इज सेड टू बी देखिए बेसिक नीड्स की बात कर रहे हैं कमर्शियली कोई पर्पज़ नहीं है बेसिक नीड्स की बात कर रहे हैं तो सबसिस्टेंस एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम के अंतर्गत आई गई इसके बाद इधर देखेंगे हम कि द प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री इन एरिया डिवॉइड ऑफ़ ट्री ग्रोथ एंड अदर वेजिटेशन आउटसाइड द कन्वेंशनल फॉरेस्ट एरिया तो जो एरिया जहाँ पे ट्री ग्रोथ एंड वेजिटेशन नहीं पाई जाती यानी डिवॉइड ऑफ़ यानी वंचित है तो वहाँ पे कन्वेंशनल फॉरेस्ट से बाहर की और फॉरेस्ट्री की जो प्रैक्टिस की जाती है यानी देखो एक्सटेंड कर रहे हैं फॉरेस्ट फॉरेस्ट जहाँ नहीं मिल रहे हैं उससे बाहर फॉरेस्ट लगाने की कोशिश की जा रही है तो इसको कहते हैं एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री एरिया को एक्सटेंड कर रहे हैं उसके बाद द प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रेजिंग फ्लोरिंग ट्री इज़ कोल्ड एज तो जो ऑप्शन है वो देखिए आप फार्म फॉरेस्ट्री सोशल फॉरेस्ट्री अर्बन फॉरेस्ट्री एंड रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री तो आप देख सकते हैं स्पेसिफिकली फ्लोरिंग रेजिंग की जो प्रैक्टिस है अब अर्बन फॉरेस्ट्री में भी आपके यहाँ पे टिब्बर प्रैक्टिस भी जाती है एंड सोशल फॉरेस्ट्री में भी करते हैं फार्म फॉरेस्ट्री में भी तो स्पेशली यहाँ पे ध्यान दिया जाता है कि जो लोकल पीपल्स हैं उनकी जो टिम्बर की नीड है या एन की जो नीड है उसको कंप्लीट किया जा सके लेकिन रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री में यहाँ पे मनोरंजन एंड अदर काफी सारे यहाँ पर्पस होते हैं तो रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री के अंतर्गत ही आएगा नेक्स्ट है द प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री इन एंड अराउंड द फार्म लैंड इज कोल्ड तो फार्म के आसपास जो कराई जाती है प्रैक्टिस फॉरेस्ट्री की उसको कहते हैं फार्म फॉरेस्ट्री नेक्स्ट है प्लांटेशन ग्रो एज लीनियर स्ट्राइप ऑफ लैंड ऑन द स्लाइड ऑफ पब्लिक रोड कैनाल्स एंड रेलवे लाइन तो इसके आसपास लीनियर स्ट्राइ प्लांटेशन किया जाता है ये हमने देखा था जब हम की रिपोर्ट डिस्कस कर रहे थे तब मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था तो इसमें नेचुरली वहाँ पे हमने नैचुरली देखा था और यहाँ पे आर्टिफिशियली किया जाता है प्लांटेशन तो पब्लिक रोड के आसपास किया जाएगा जैसे लीनियरली इसके साथ साथ किया जाएगा तो इजी था ये नेक्स्ट है होम गार्डन एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम इज प्रैक्टिस तो होम गार्डन में आप देख सकते हैं कि हाई स्ट्रेटा स्पीसीज़ मिलती हैं यानी काफ़ी सारी स्पीसीज तो काफ़ी सारी स्पीसीज एरिड एंड सेमी एरिड में तो मिलेंगी नहीं तो देखिए एरिड में नहीं मिलेंगी हाई लैंड्स पर भी नहीं मिलेंगी एंड आपको यहाँ आंसर होगा आपका ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट तो नमी की आवश्यकता होगी इसके लिए तो जो पीछे मैंने आपको बताया था जो एक टेबल थी उसमें यह आपको मिल जाएगा फिर है शेडिंग इफेक्ट ऑफ ट्री कैन बी ओवरकम बाई तो शेडिंग इफेक्ट देखो शेडिंग इफेक्ट की बात करें ऑप्शन देखिए आप अब रूट्स हैं उनका शेड से कोई लेना देना नहीं है वाटर एंड फर्टिलाइजर का भी नहीं तो कैनोपी है ये हमारी शेडिंग इफेक्ट से रिलेटेड है सो कैनोपी मैनेजमेंट आंसर होगा इसके बाद नेक्स्ट है कि एल क्रॉपिंग को क्या कहा जाता है इसके अलावा तो देखो ये अभी अभी हमने देखा था रो इंटरक्रॉपिंग कहते हैं नेक्स्ट है कि मल्टी स्टोरी अरेंजमेंट रिड्यूस तो मल्टी स्टोरी अरेंजमेंट में क्या होता है कंपटीशन है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है तरीके से कि मल्टी स्टोरीज़ में अगर ट्री उगाए जाएंगे तो उनके लिए पर्टिकुलर एक एरिया हो जाएगा तो जो अगर एक साथ उगाए जाएंगे तो कंपटीशन काफ़ी रहेगा उनमें ट्रीज़ में ग्रोथ के लिए लेकिन मल्टी स्टोरी सिस्टम में वो कंपटीशन है वो कम हो जाता है उसके बाद है ओल्डेस्ट नॉन एग्रो एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम तो ऑप्शन है ले क्रॉपिंग टोंगिया सिस्टम होम गार्डन शिफ्टिंग कल्टिवेशन तो देखिए शिफ्टिंग कल्टिवेशन जो है ये आपने सुना होगा देखो बहुत पहले से किया जाता रहा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन किस तरीके से किया जाता था ये आप सब जानते होंगे कि इसमें पर्टिकुलर एक लैंड है उस पर ट्री उगाए जाते हैं फिर थोड़े दिन बाद में उसको आउट कर दिया जाता है फिर दूसरे एरिया में उगाए जाते हैं तो ये भी हम डिस्कस कर चुके थे फिर ए, सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम लॉन्च्ड इन तो फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में इसको किया गया था लॉन्च एंड कलेक्शन पीरियड फॉर नीम सीडीज़ तो देखिए नीम के पेड़ का जो कलेक्शन पीरियड कौन सा है सीड कलेक्शन का तो देखो जून एंड जुलाई है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये यह यहाँ पे क्योंकि जो आपका छः नंबर का जो चैप्टर है एन टी उसमें ये स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है नीम ये लेक्चर नंबर छः है इसमें आप देख सकते हैं स्पेसिफिकली यहाँ पे नीम जो है वो मेंशन किया गया है तो नीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसके साइंटिफिक नेम से रिलेटेड या फिर किसी भी तरीके से क्वेश्चन रिलेट करके पूछा जा सकता है तो नीम का साइंटिफिक नेम जो है वो हम देख चुके हैं यहाँ भी मैंने नीम के बारे में जो डिटेल है वो आपको अवेलेबल करवाई है ये यह यहाँ आप देख सकते हैं नीम के बारे में नीम का साइंटिफिक नेम है ये एजार डिकेटा इंडिका तो पूरा डिटेल मैंने यहाँ पे आपको बताया कि क्या क्या यूज में आता है नीम का प्लांट तो नीम के बारे में जानना ज़रूरी है और वैसे भी राजस्थान में जो ट्री स्पीसीज हैं वो काफ़ी कम टाइप की मिलती हैं तो आप इजीली इसको याद कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द मैन्यूफैक्चर ऑफ ब्रेल पेपर विच स्पीसीज इज यूज तो आपको याद रखना है कि ब्रेल पेपर के मैन्युफैक्चर के लिए यहाँ पे यूकलैप्टिस की एक स्पीसीज यूज की जाती है तो ऐसा नहीं है कि आपको सब के साइंटिफिक नेम सब कुछ याद करना पड़ेगा आप क्वेश्चन के बेसिस पे चलते जाइए तो उस तरीके से आप याद रख सकते हैं तो देखो यूकलैप्टिस तो यूकलैप्टिस की ही चारों स्पीसी दी गई हैं तो इसमें स्पेसिफिकली आपको याद रखना है ग्लो तो इस तरीके से आप भूलेंगे नहीं देखो ब्लाइंड जो लोग होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि है वो यूज की जाती है तो ब्रेल पेपर की आवश्यकता पड़ती है तो देखो आप बुलस से याद रख सकते हैं और में आपको नहीं देखने को मिल रहा ये नेक्स्ट है इंडिगोफेरा टिंग्टोरिया इज यूज इन तो इसको भी मैंने लेक्चर नंबर छः में बताया है वहाँ पे डाई इंडस्ट्री की बात की गई है तो देखो डाई इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं इंडिगो फेरा को इंडिगो प्लांटेशन के बारे में आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि आंदोलन हुआ था महात्मा गांधी जी को बुलाया गया था तो देखिए वहीं से है ये अगर आपको थोड़ा सा वहाँ से याद है तो भी आप इसको ईजीली सॉल्व कर सकते हैं नेक्स्ट है विच क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रोफोरेस्ट्री इज़ मोर इम्पोर्टेंट एंड कॉमनली अडोप्टेड तो एग्रोफोरेस्ट्री के क्लासिफिकेशन में कौन सा यूज किया जाता है सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल एंड फ्लोरिस्टिक एंड इकोलॉजिकल तो सबसे ज़्यादा करते हैं स्ट्रक्चरल को और इसी के बेसिस पे फिर हमने क्लासिफिकेशन जो है डिस्कस किया था नेक्स्ट है इन विच एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम एग्रीकल्चरल क्रॉप इज सेकेंडरी इम्पोर्टेंस तो कौन से वाले में कौन से एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम में तो सिल्वी एग्रीकल्चरल सिस्टम में देखो एग्रीकल्चर की बात की जा रही है इसी एक में मिल रहा है आपको एग्रीकल्चर फिर नेक्स्ट है द मोस्ट प्रीवेलेंट एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम इन हाई रेनफॉल एरिया ऑफ केरला तो केरला में आप जानते देखो ह्यूमिड टाइप की जलवायु वहाँ मिलती है तो ह्यूमिड के लिए हमने देखा था कि होम गार्डन है देखो इसमें हाई स्पीसीज स्ट्रेटा मिलते हैं तो फिर होम गार्डन यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसके बाद नेक्स्ट है कि विच अमंग दीज ट्री स्पीसीज आर बेस्ट सुटेड फॉर एले क्रोपिंग तो सबसे पहले तो देखो एल क्रॉपिंग को देखते हैं हम किसे कहते हैं एल क्रोपिंग तो देख सकते हैं आप एलो क्रॉपिंग को कहते हैं हैग्रो इंटरक्रॉपिंग एंड ये इन्वॉल्व करती है मैनेजिंग रोज ऑफ वुडी प्लांट्स विद एनुअल क्रॉप इन बिटवीन दैम तो इसको हम डिस्कस कर चुके हैं चार नंबर लेक्चर में तो क्रॉपिंग को हमने रिवाइज कर लिया सो so, यहाँ पे जो आंसर है वो हमारा होगा कि क्रॉपिंग के लिए जो ट्री स्पीसी यूज की जाती है उनमें बेस्ट सुटेड हैं वो है केजिया सीएमया, तो ये आंसर हो जाएगा सी फिर है विच अमंग दीज फैक्टर हैव डिग्रेडेड द इंडियन ग्रास लैंड द मोस्ट देखिए इंडियन ग्रास की बात की जा रही है तो ग्रास का मेन है पाश्चर से यहाँ जहाँ जो पशु हैं लाइव स्टॉक है वो चढ़ते हैं यहाँ पे तो देखो ग्रास की बात कर रहे हैं तो ग्रेजिंग जो है उससे यहाँ रिलेटेड हो जाएगा तो देखो एडवर्स साइड फैक्टर पुअर मैनेजमेंट पुअर प्रोडक्टिविटी एंड ओवरग्रेजिंग तो वैसे तो ये सभी फैक्टर हैं वो यहाँ पे डिग्रेड करते हैं लेकिन हमें यहाँ पे पूछा है कि मोस्ट इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा करता है तो वो हो जाएगा ओवरग्रीजिंग सो so इस तरीके से हमने ट्वेंटी क्वेश्चन किए और इसके साथ ही काफ़ी इंपॉटेंट इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो भी डिस्कस किए हैं तो आप यहाँ से अपना रिवाइज़ कर सकते हैं एंड इसके साथ ही आपकी जो प्रिपरेशन है उसको ईजियर बनाने के लिए आप पी को ले सकते हैं एंड इससे रिलेटेड कोई भी जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल uh, अगर प्रॉब्लम आपको आती है तो आप आर एफ एस डोट अकेडमी पर मेल कर सकते हैं और इसके साथ ही आप बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक या कौन सी यूनिट टफ लग रही है तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगी और फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स की जो पीडीएफ है वो रेडी हो चुकी है उसको अपलोड कर दिया जाएगा अभी जो पीडीएफ है उनमें और जिन्होंने परचेज कर लिया उनकी जो गूगल ड्राइव पे उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा सो आई होप आपको इससे हेल्प हो रही होगी सो थैंक यू सो मच हैव ए नाइस डे